हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये तीन कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल स्वेटर डिज़ाइन। और इसे बनाना देखिए बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी जल्दी बन भी जाता है। इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए, हमने यहाँ पर 4 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। यहाँ पर मैंने 28 फंदे लिए हैं। और देखिए, स्टार्ट मैं यहाँ पर लाइट कलर से कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब हमारी पहली सिलाई है। बॉर्डर के बाद हमें स्वेटर में जब भी हम इसे डालें तो यहीं से डालेंगे। तो पहला फंदा जो है वो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो ये राइट साइड है और इधर से हम ये पहली सिलाई पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड से। तो इधर से देखिए, इसे हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। ये दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, तीसरी सिलाई है राइट साइड से। अब यहाँ पे हम देखिए अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो ऊन को देखिए यहीं पर हम ऐसे नॉट लगा दें। इस तरह से अब देखिए, पहला फंदा तो ये हमारा एज स्टिच है, इसे स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए, दो फंदे हमें और स्लिप करने हैं। तो ये तीन फंदे हो गए किनारे। अब देखिए, हम चार फंदे सीधे बुनेंगे दूसरे कलर से। 1, 2, 3 और ये 4। फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे देखिए सीधे बुनेंगे। फिर दो फंदे स्लिप करेंगे और फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे। फिर ये दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे बुनेंगे दूसरे कलर से। और ये लास्ट में ये तीनों फंदे हम स्लिप करेंगे। तो ये देखिए, तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इधर से देखिए, ये चौथी सिलाई है। इसमें हम ये पिंक वाले तीनों फंदे स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए, ऊन को पीछे करेंगे और ये जो ब्लू वाले फंदे हैं इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये रॉन्ग साइड से भी हमें देखिए इसे सीधा ही बुनना है। फिर देखिए, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे स्लिप करेंगे। तो जब हम फंदे स्लिप करेंगे उस समय ऊन देखिए हमारा अपनी तरफ रहेगा, नहीं तो ये इस तरह से जैसे ये दिख रहा है ऊन, वो इस साइड दिखेगा। फिर स्लिप करने के बाद देखिए, ऊन को पीछे करके ये चार फंदे सीधे बुनेंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करके ये दो फंदे स्लिप करना है और ये चार फंदे सीधे बुनने हैं। तो ऐसे ही हम ये चौथी सिलाई कंप्लीट कर लें। ये चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, पांचवी सिलाई है राइट साइड से। ये हमें ये पिंक कलर से सारे फंदे जो हैं इसे सीधा बुनना है। तो ये पांचवी सिलाई आप पूरा सीधा बुन लें। ये पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इधर देखिए, ये छठी सिलाई है और रॉन्ग साइड से। तो इसे हमें देखिए पूरा उल्टा बुनना है पिंक कलर से ही। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद जितने भी फंदे हैं सबको उल्टा बुनेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, वापस से हम राइट साइड में आ गए और यहाँ पे देखिए हम कलर अपना चेंज करेंगे। अब देखिए, दूसरा कलर यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है मैंने और दूसरे कलर से ही हम स्टार्टिंग के चार फंदे सीधे बुनेंगे। फिर उसके बाद ये दो फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे। फिर
फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे सीधे, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे और ये लास्ट के चार फंदे जो हैं इसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब ये रॉन्ग साइड आ गए, आठवीं सिलाई। अब इसमें देखिए जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया था ये दो स्लिप करेंगे और बाकी चार फंदों को सीधा बुनेंगे, वैसे ही हमें यहाँ भी बनाना है। पहला फंदा स्लिप करके ये तीन फंदे जो हैं वो हम सीधे बुन लें। फिर उसके बाद देखिए ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये दो पिंक फंदे स्लिप करेंगे, फिर ऊन को पीछे करके ये चार फंदे सीधे, फिर ये दो पिंक फंदे स्लिप करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए देखिए हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लें। ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने आठ सिलाइयाँ टोटल बनाई है और यही आठ सिलाइयाँ देखिए हमें बार बार रिपीट करनी है। यानी अब हम ये पिंक कलर से दो सिलाइयाँ पहले बुनेंगे, एक सिलाई सीधे की और एक सिलाई उल्टे तरफ की, और फिर उसके बाद हम वापस से ये वाला कलर लगाएंगे जो लाइट कलर हमने लाइट ब्लू लगाया है वो। आप चाहें तो देखिए इसमें सिर्फ दो ही कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे तीन कलर से बना रही हूँ तो इसे मैं थोड़ा सा आपको और बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन देखने में, और इसे आप किसी भी वुलन प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के स्वेटर में तो ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है, इसका यूज़ करके आप कैप भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।